2023 की जो परीक्षा है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से लाइव कर देंगे और 6 बजे से जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये रहेगा, ये 10 नवंबर तक वो आवेदन कर पाएंगे, उसके बाद रात्रि 12 बजे तक, उसके बाद 11 और 12 तारीख को अगर वो किसी तरह की भी कोई त्रुटि रह गई है, चाहे वो फोटो को लेके हो, सिग्नेचर को लेके हो, थंब इम्प्रेशन को लेके हो, या किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन, उनको पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद 10 तारीख के बाद ना तो कोई फॉर्म जो है भर पाएगा, ना ही ये डेट एक्सटेंड होने वाली है। इसलिए सभी जितने परीक्षार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि डे वन से ही सीरियस होकर वो अपना फॉर्म तुरंत भर दें, और उसके बाद 11 और 12 तारीख दो दिन उनको मिलेंगे, तब तक वो अपना उसके अंदर दो दिनों के अंदर अपना कोई भी त्रुटि रह गई उसको करेक्ट कर पाए। उसके बाद किसी तरह की भी कोई एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट मेंटेन नहीं की जाएगी। इसमें हम 2 दिसंबर को हम लेवल 3 की परीक्षा करवाएंगे जिसका समय 3 से 5:30 बजे तक रहेगा, और 3 दिसंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा होगी। हाँ नहीं, 2 बजे लेवल 2 की परीक्षा रहेगी और लेवल 1 की परीक्षा 3 से 5 बजे तक रहेगी। तो इस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जो आवेदन शुल्क है वो एज इट इज रखा गया, इसमें किसी तरह की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अंदर अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं उनके 500 रुपये हैं एक लेवल के लिए, अगर वो 2 लेवल के आवेदन करता है तो उसके लिए 900 रुपये हैं, अगर 3 लेवल के लिए वो आवेदन करता है तो उसके लिए उसकी 1200 रुपये है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यही एक लेवल के लिए 1000 रुपये, अगर 2 लेवल के लिए अप्लाई करता है तो वो 1800 रुपये, और 3 लेवल के लिए 2400 रुपये ये शुल्क रहेगा। 2021 में 1,87,000 कैंडिडेट जो थे उन्होंने अप्लाई किया था, 2022 के अंदर 3,05,718 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और इस बार क्योंकि आवेदन अभी लाइव हो जाएंगे कह नहीं सकते, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम लगभग 3 लाख के करीब कैंडिडेट तो इस बार भी आवेदन करेंगे। सेट की परीक्षा में हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा, 22 के 22 जिले हैं, सभी में होगा। उपमंडल की बात कर रहे हैं, जिले में परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है ना, उपमंडल का इसमें कोई, हर जिला मुख्यालय पे परीक्षा केंद्र, सबको बराबर का अधिकार है। के प्रबंध जो पहले गए थे किए गए थे, सीसीटीवी कैमरास, जैमर, बायोमेट्रिक, सब एज इट इज रहेगा। एक एडवांस फीचर जो हमने 10th और 12th के अंदर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन फीचर्स थे, वो इस बार एस्टेट की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र पर अंकित किए जाएंगे, वो सभी हिडन फीचर्स रहेंगे। तमाम कि जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है वो इसी बात के लिए है कि किसी तरह का भी कोई इम्पर्सोनेशन के केस, जैसे आप मुन्ना भाई कहते हैं, वो ना प्रवेश कर सकें, और अगर करते हैं तो जब मिसमैच होता है बायोमेट्रिक का तो उस वक्त तुरंत हमारे पास खबर आ जाती है, अगर और उसी वक्त उसी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ज्यादातर जानकारी अध्यक्ष महोदय ने आपके समक्ष रख दी है, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आज हमारी एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो जाएंगे 6:30 से, उसमें इस बार हमने एक चैट बॉक्स का ऑप्शन भी रखा है, अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी डिफिकल्टी होती है, किसी डिटेल्स जानने में कोई दिक्कत होती है, वो डायरेक्टली उस चैट बॉक्स पे अप्लाई कर सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है, तुरंत प्रभाव से उनकी सारी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उस पर भी वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की उनको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं।